हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनोग्रेट एजुकेशन पर। ठीक है दोस्तों, कैसे हो दोस्त? बढ़िया। ठीक है, तो मैं आज आपको ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको पिछले प्रश्नावली में 6 और 7 आपके कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों मेरे से संपर्क करें, या मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे उस पर मेरे को क्वेश्चन भेजें, मैं उसका सोल्यूशन आपके पास सबसे पहले भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हाइट एंड ऊंचाई दोस्तों मैं इसी को क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसी में भी अपने 6वीं और 7वीं के रिलेटेड साइन कॉस थीटा पूछे जाते हैं और इनका इसमें यूज होता है, इसलिए मैं आपको ये प्रश्नावली पहले पढ़ाऊंगा। दोस्तों इस प्रश्नावली इतनी अच्छी है, इसमें आज के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। बस आपको सिर्फ लाल बटा कक्कर याद रखना है, लाल बटा कक्कर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, लाल बटा कक्कर यह आपको याद रखना है, लंब क्या होता है, करण क्या होता है, आधार क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया हो सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो देखे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों आपको इसमें है ना, सबसे पहले एक तो उन्नयन कोण, और नंबर 2 क्या पूछेगा, अवनमन। ये 2 कोण पूछेगा, इन दोनों कोणों का आपको पता होना चाहिए, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अब देखो दोस्तों, अवनमन क्या होता है, उन्नयन का सबसे पहले रहते हैं कौन सा, अवनमन, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है दोस्तों, उन्नयन कोण वो होता है, देखो यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है, दृष्टि है, ये हमारी आँख है। अब यहाँ से हम, ये हमारा क्या हुआ, क्षैतिज, आँख के हमारे क्या हुआ, समानांतर, पैरेलल हुआ बिल्कुल, है ना। ठीक है, अब अपन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज को जैसे ऊंचाई की आँख से ऊपर देखना है, हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। ये क्षैतिज के और हमारे दृष्टि के बीच में जो उन्नयन कोण कौन बनेगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, उन्नयन, क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। क्षैतिज के और हमारी दृष्टि के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, उन्नयन कोण। ठीक है, अब अवनमन कोण दोस्तों, अवनमन कोण क्या होता है, ये तो उन्नयन कोण है, अवनमन, अवनमन कोण क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर से, ऊपर से क्या हो गया इसका, यहाँ पे मान लो अपनी आँख है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, इसका क्षैतिज हो गया दोस्तों, यहाँ पे अपन खड़े हैं और अपन नीचे की साइड देख रहे हैं, नीचे की साइड जो चीज देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे अपन छत पे खड़े और नीचे देख रहे हैं, तो हमारी जो क्षैतिज है, हमारी आँख और हम जो क्षैतिज है ना, उसके बीच में जो कोण बनेगा ना दोनों की, वो क्या कहलाएगा, अपना अवनमन। ठीक है दोस्तों, अवनमन कोण। अब आपको पता अवनमन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, जो पूरा आँख से ऊपर देखते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है, आँख से नीचे की तरफ देखते हैं, और क्षैतिज दिशा और आँख की दृष्टि छाया के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नमन, और वो क्या होगा, अवनमन कोण। ठीक है दोस्तों, अब आप इससे ये देखो कि ये अवनमन, तो दोस्तों अपन क्या है, अवनमन, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, दोस्तों दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही लेंगे अपन। कैसे लेंगे, अगर अपने को उन्नयन कोण बोलता है या अवनमन कोण बोलता है, दोनों में से कोई भी, तो अपनी एक कोण चुनेंगे, ये वाला। कैसे दोस्तों, देखो आपको पता है कि ये दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर। ठीक है, अगर इसको कोई एक तिरेक रेखा काटती है, ठीक है, तिरेक रेखा काटती है, तो दोस्तों आपको पता है ये कितना एक डिग्री का, आपको पता है कि कोई भी दो तिरेक रेखा, वो दो कोई भी दो समानांतर रेखा को एक तिरेक रेखा काटती है, इनके दो विपरीत कोण बनते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब ये जो कोण होगा वो ये कोण होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, या फिर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। क्या होगा दोस्तों, आपको पता है ये कोण 60 है तो ये क्या होगा, 90 - 60, वो कौन होगा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 60, तो एक दूसरे के आप पूरा रखिए, टोटल कोण कितना आ जाएगा, 80, ये पूरा 80। अवनमन कोण क्या होगा, अगर ये अवनमन कोण हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया अपना, उन्नयन कोण, और ये अवनमन कोण, तो ये होगा वो ये होगा, ये 60 होगा तो ये 60, इसलिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, अवनमन की जगह उन्नयन ले लेते हैं, और उन्नयन, अवनमन कोण की जगह भी उन्नयन कोण ले लेते हैं, हमें सामने को कौन सा कोण लेना, उन्नयन कोण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सवाल नंबर 1, क्या कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, दोस्तों क्या बताना, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन हो चाहे अवनमन हमको एक ही लेना। ठीक है दोस्तों, एक ऊर्ध्वाधर खंभा, अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, जैसे आपको 6वीं और 7वीं प्रश्न में बनाया, वैसे समकोण त्रिभुज। एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ खंभा, ये खड़ा हुआ खंभा, ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर, दोस्तों इस खंभे की परछाई कहां जाएगी, ये, ठीक है, इस खंभे की परछाई ये हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री,
अब दोस्तों ये क्या कह रहा है, उन्नयन कोण बताना, ये क्या हो गया अपना, इसको मिला दो, ये क्या हो गया करण हो गया, और ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या हो गया दोस्तों, उन्नयन कोण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना थीटा। अब क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ये खंभे की क्या हो गई, परछाई हो गई, यहाँ क्या लिख दूंगे परछाई, अरे क्या हो गया खंभा, ठीक है खंभा की परछाई। दोस्तों अगर क्या कह रहा है खंभे की ऊंचाई, तो अपन क्या मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई एच, खंभे की ऊंचाई क्या है एच, मतलब हाइट, ऊंचाई को किसे दर्शाएंगे हाइट, खंभे की ऊंचाई एच है, तो खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी, परछाई किसके बराबर होगी, खंभे की ऊंचाई की, अगर ऊंचाई एच है तो परछाई भी क्या होगी अपनी एच, ठीक है दोस्तों। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, मैंने आपको पहले बताया, ये क्या हो गया अपना आधार, और सबसे पहली भुजा क्या हो गया करण। अब दोस्तों उन्नयन कोण निकाला, वो कैसे निकालना, दो दो भुजा अपने को दे रखी है, ठीक है, तो यही निकालना, ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, दो सबसे पहले लंब आधार, मैंने क्या बताया आपको लाल बटा कक्का याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है। अब इसमें देखो लंब बटा आधार, दोस्तों लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार साइन कोस टेन, तो दोस्तों क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। अब आपको पता लंब कितना दे रखा अपने को एच, और परछाई क्या है देखिए एच, इधर क्या होगा टेन थीटा, और दोस्तों एच का एच में अगर भाग देंगे तो क्या होगा एक, और इधर क्या हो गया टेन थीटा, ठीक है कोई दिक्कत। अब आपको पता टेन टेन थीटा में एक किसका मान होता है दोस्तों, सारणी पढ़ाया था मैंने प्रश्नावली सिक्स में, उसमें आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है एक किसका होता है पैंतालीस डिग्री का, टेन पैंतालीस डिग्री किसका होता है दोस्तों, टेन पैंतालीस डिग्री का मान कितना होता है एक, इसको मैं टेन पैंतालीस लिख सकता हूँ, टेन में अगर इधर टेन है तो इधर टेन में देखना दोस्तों, साइन है तो साइन में देखना, ठीक है टेन में है तो टेन में देखा, तो टेन पैंतालीस का होता है दोस्तों, टेन से टेन गया तो थीटा बराबर क्या हो गया पैंतालीस डिग्री, यही अपने सूर्य का क्या उन्नयन कोण, अगर सूर्य का उन्नयन कोण पैंतालीस डिग्री होगा तो उसकी छाया खंभा और उसकी परछाई दोनों क्या होगी एक दूसरे की इक्वल होगी बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो क्या कहता है, देखो यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, दोस्तों उन्नयन कोण उन्नयन हो चाहे अवनमन हमको एक ही बनाना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई, अब दोस्तों क्या एक मीनार के पाद बिंदु मान लो दोस्तों, ये क्या है मीनार, क्या मान लिया हमने मीनार, ठीक है मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब उसके नीचे का बिंदु, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर दोस्तों, ये 100 मीटर हो गया मान लो 100 मीटर की दूरी पर, दूरी से उसके शिखर का उन्नयन, दोस्तों उन्नयन कोण यही होता है उसके शिखर, शिखर मतलब इसका किसका, मीनार के शिखर का 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना दे रखा दोस्तों अपने को, उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई दोस्तों मीनार क्या है ये, तो इसको मैं क्या देता हूँ ए बी और सी, तो मीनार की ऊंचाई दोस्तों मीनार की ऊंचाई याद करना अपने भैया, तो मैं क्या मान लेता हूँ माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई निकालनी तो ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर एच मीटर, एच मीटर क्या है अपने ऊंचाई है, या फिर एच एच मीटर क्या है इसकी दोस्तों ऊंचाई, ठीक है। अब आपको पता है ये थीटा है अपना, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई दोस्तों लंब, ठीक है नीचे वाली क्या हो गई आधार, और ये क्या हो गया करण। अब दोस्तों अपने को दो भुजा दे रखी है, तो आपको निकाल सकते हैं दो भुजा कौन कौन से, लंब और आधार, दोस्तों लंब, लंब क्या हो गया ए बी बटा आधार क्या हो गया बी सी, तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ दोस्तों लंब बटा आधार बराबर, लंब बटा आधार दोस्तों वही लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का याद रखो आप, सिर्फ लाल बटा कक्का इसी से सब कुछ आ जाएगा, लंब बटा आधार दोस्तों लंब बटा आधार टेन थीटा, तो टेन और थीटा अपने को कितना दे रखा दोस्तों 60 डिग्री, ठीक है 60 अपने को वो निकाला जो भुजा दे रखी है, यानी कि अपन करण निकालना नहीं दोस्तों, अपने को ये भुजा दे रखी है ना अपन को निकाल सकते हैं, ठीक है तो लंब बटा आधार ए भी क्या है एच, ऊंचाई को एच माना था, और आधार अपने को पहले दे रखा कितना 100 मीटर, और टेन साठ दोस्तों टेन साठ का मान है आपको सारणी 6.6 आपको याद रख लिया प्रश्नावली छह, टेन साठ का मान क्या होगा रूट 3 में, ठीक है दोस्तों आप याद कर सकते हो मेरी तरह, मेरे को जैसे रूट 3 याद है वैसे आप भी कर सकते हो अगर आप मेरा पिछली वीडियो देखेंगे, ठीक है दोस्तों।
क्या हो गया ये इसके नीचे में क्या है, एक वज्रगुण, वज्रगुण कहाँ थे दोस्तों, ऊपर वाली नीचे वाली और नीचे वाली से ऊपर वाली पर, ठीक है। तो एक को एच से करेंगे तो एच, और सौ को रूट तीन से करेंगे तो सौ और रूट तीन। दोस्तों ये अपनी क्या हो गई ऊंचाई, ये अपनी मीनार की ऊंचाई है दोस्तों। आपको दे रखा हो रूट तीन बराबर 1.73 या 1.732 होता है, तो वो मान अपन याद रख देंगे, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जैसे 100 × 1.732 तो आपको पता है 2, तो 2 बिंदु छोड़ के पॉइंट लगा दिए, 173 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो 173 क्या हो गए, 173.20, ये क्या हो गई मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो अगर आपको ये दे रखा है तभी आपको इसको लगना है, अदरवाइज आपको यहाँ तक लगना, ठीक है दोस्तों। ओके, उसी तरह सवाल नंबर 3, भी ये कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया, दोस्तों कोई भी एक ऊर्ध्वाधर छड़ है उसकी लंबाई और उसकी छाया के बीच अनुपात कितना दे रखा है, 1:1। लंबाई तथा इसकी छाया, तो लंबाई कितनी हो गई 1 और इसकी छाया कितनी हो गई रोड की, अनुपात दे रखा दोस्तों, ये मीनार हो गया, ठीक है। सबको त्रिभुज बनाना ऐसे बनता दोस्तों, त्रिभुज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को चित्र बनाना, ठीक है। वही इसको नाम दे देंगे ABC, सूर्य का उन्नयन कोण भुजा, दोस्तों उन्नयन कोण ये होता है, ठीक। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, ये क्या हो गया दोस्तों आधार, और ये क्या हो गया तरंग। अब अपने को दो भुजा दे रखे लंब बटा आधार, तो दोस्तों वही लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, और लंब क्या दे रखा है दोस्तों अपने को 1, और आधार क्या दे रखा है √3, इधर क्या हो गया tan थीटा, ठीक है दोस्तों tan थीटा। अब आपको पता है टेन में मान सोचना किसका, 1/3, भाई साहब टेन में 1/3 किसका होता है, आपको मैंने बताया था टेन में 1/3 होता है टेन 30 डिग्री का, और इधर क्या होता है tan थीटा, ठीक है दोस्तों। टेन से टेन निकल गया तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, ये तो अपना आंसर है, थीटा बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना आसान सवाल है, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है आज के बाद, बस सिर्फ आप मेहनत करो, पढ़ाई करो। आपको पता कोरोना में आपके पूरे बच्चों उनकी पढ़ाई रुकी पड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई ले सके, और बिना स्कूल जाए अच्छी परसेंटेज बना सके, वो भी मैथमेटिक्स में, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, सपोर्ट करो मेरे को, आगे वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।